पिछले कुछ दिनों से राहुल लगातार पीएम मोदी पर हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। राहुल गांधी अपने नए वीडियोस जारी कर या फिर ट्वीट के जरिए मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इस बार उन्होंने ट्वीट कर देश में कोरोना के बढ़ते मामले, गिरती जीडीपी और चीन की घुसपैठ के मुद्दे पर ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपने राजनीतिक करियर में सफलता हासिल करने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। आए दिन वे अपनी इस असफलता के नए उदाहरण देते रहते हैं। राहुल गांधी हर दिन मोदी सरकार पर निशाना साधने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। पहले उन्होंने हेट स्पीच को लेकर सरकार पर आरोप मंडा था और अब कोरोना काल में आई जीडीपी में भारी गिरावट को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और दावा किया है कि अर्थव्यवस्था की बर्बादी नोटबंदी से शुरू हुई थी और उसके बाद से एक के बाद एक गलत नीतियां अपनाई गई। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार भारत के भविष्य को खतरे में डाल रही है। राहुल गांधी ने एक बार फिर ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। राहुल ने देश में कोरोना के बढ़ते मामले, गिरती जीडीपी और चीन की घुसपैठ के मुद्दे पर ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारत मोदी की बनाई हुई आपदाओं के बीच फंसा हुआ है। इस बीच राहुल ने 6 मुद्दे भी गिनाए, जिसमें जीडीपी में 23.9% की ऐतिहासिक गिरावट, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, 12 करोड़ लोगों की नौकरियां गई, केंद्र सरकार राज्यों को उनका बकाया जीएसटी का भुगतान नहीं कर रही, कोरोना के हर रोज सबसे ज्यादा मामले और मौतें, सीमाओं पर बाहरी घुसपैठ के मुद्दे शामिल हैं। राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, आम आदमी शायद जीडीपी का वित्तीय प्रभाव तो नहीं जानता, पर ये जरूर समझता है कि नोटबंदी, गलत जीएसटी, देशबंदी के डिजास्टर स्ट्रोक को मास्टर स्ट्रोक बताना सफेद झूठ है। उन्होंने ये भी कहा है, 6 साल से गिरती अर्थव्यवस्था का इल्जाम भगवान पर लगाना अपराध है। इसी अंधेरे को आदमी की कमर टूटना कहते हैं। हालांकि इससे पहले भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 30 अगस्त को एक वीडियो रिलीज कर कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था 40 वर्षों में पहली बार भारी मंदी में है, असत्याग्रही इसका दोष ईश्वर को दे रहे हैं, नोटबंदी, गलत जीएसटी और लॉकडाउन इन फॉर्मूला इकोनॉमी पर हमले के 3 बड़े उदाहरण हैं। दरअसल कांग्रेस में इस वक्त घमासान छिड़ा हुआ है। पहले मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी ज्वाइन करने से सरकार गिर गई, जिसके बाद कमलनाथ और दिग्विजय सिंह आमने सामने हो गए। फिर राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार खतरे में पड़ गई। इसके बाद सीडब्ल्यूसी की बैठक में तनाव देखने को मिला, जिसमें कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद समेत 23 वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर उनसे पूर्णकालिक अध्यक्ष की जिम्मेदारी लेने या फिर इसके लिए चुनाव कराए जाने की मांग की थी। इस पर राहुल गांधी ने गुलाम नबी आजाद समेत अन्य नेताओं को पत्र लिखने के लिए फटकार लगाई। ऐसे में इन सभी मामलों के मद्देनजर कांग्रेस अब अपनी गायब होती छवि को लेकर बौखलाने लगी है और यही कारण है कि कांग्रेस के नेता भी इस तरह का बयान देकर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी और उनकी पार्टी का वजूद अब पूरी तरह से खत्म होता जा रहा है, जिसे फिर से वापस लाने के लिए कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक मोदी सरकार पर निशाना साध रही है, जिससे वो जनता को मोदी सरकार के खिलाफ कर अपना वोट बैंक मजबूत कर सके। ऐसे में राहुल गांधी के ये बेतुके आरोप पूरी तरह से उनके राजनीतिक करियर में असफल रहने की बौखलाहट को दर्शाता है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।